प्रिय ये छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल MR स्टडी 10th क्लास को ज्वाइन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। चलिए, आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को समझेंगे। देखो, द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले इसको आप समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, ऐसी समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, जहां a, b तथा वास्तविक संख्याएं और a बराबर नहीं है 0। ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण समीकरण के बराबर में 0 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है, और अधिकतर समीकरण में x स्क्वायर यानी x की घात 2 हो तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए, प्रश्नावली 4.1 का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, चलो प्रश्न को एक फिर पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इस प्रश्न में तुम पे बुक होगी, बुक में देखना, 8 प्रश्न है, इसमें से हमने पहला प्रश्न लिया, इसको हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। सॉल्व हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे, एक फेरी इसको जो का तो लिख लेंगे। एक्स प्लस 1 वर्ग बराबर 2 एक्स माइनस 3। देखिए, ये है एक्स प्लस 1 का वर्ग, यानी इसको हल करने के लिए सर्व समीका का प्रयोग करना पड़ेगा। सर्व समीका का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए रवकार्य कर लेते हैं। सर्व समीका लगेगी इसमें a प्लस बी का वर्ग बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ये सर्व समीका लगेगी। ए क्या है यहाँ पर हमारा एक्स, ए माना एक्स, और वी है हमारा प्लस 1 वर्ग बराबर ए का वर्ग यानी एक्स वर्ग, वी यानी एक का वर्ग प्लस गुणा ए का मान है एक्स प्लस गुणा बी का मान है हमारा 1। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, इसको गुणा कर लेंगे, 2 का एक्स में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x का 1 में गुणा करेंगे तो 2x आएगा। 2x ये सर्व समीका मिली, तो इसको हम फेयर में लिखते हैं। इस सर्व समीका को फेयर में लिख लेते हैं। सर्व समीका मिलेगी हमको, ये सर्व समीका है तो इसको लिख लेते हैं। x²
प्लस वन प्लस टू एक्स बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं तो दो का गुणा एक्स में होगा तो टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू का गुणा थ्री में हो जाएगा तो दो तिया छः हो जाएगा। तो देखिए टू एक्स इधर भी है, टू एक्स इधर भी बराबर में, तो ये कट जाएंगे, टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा। चलिए एक्स वर्ग प्लस वन, इधर माइनस छः है, इधर जब इसका पक्षांतर होगा तो इधर ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस छः बराबर शून्य। एक्स वर्ग एक को छः में जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा बराबर जीरो। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक्स वर्ग प्लस सात एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, सी बराबर जीरो के रूप में है, बी बराबर जीरो। यही तो सिद्ध करना था। देखिए ऐसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होता है, जहां ए बी तथा वास्तविक संख्याएं और ए बराबर नहीं है जीरो, यानी यहां पर निकल कर आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस सात, यानी ये दो ही घात समीकरण है। यही तो हमें सॉल्व करना था। ये सॉल्व हो गया हमारा प्रश्न। अब अगली वीडियो में अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को भी ये प्रश्न समझ में आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।